नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। JLN एजुकेशनल ग्रुप का एक बार फिर डंका बचा है। JLN एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित स्कूल के छात्र छात्रों ने एक बार फिर परचम लहराया है, जहां स्कूल की तरफ से बेहतर परिणाम वाले बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया है। JLN एजुकेशन ग्रुप के निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने बच्चों को मोटिवेट कर उनका हौसला बढ़ाया है। JLN एजुकेशनल ग्रुप संगो कोटा द्वारा राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में JLN संस्थान द्वारा संचालित स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर चयनित होने वाले 100 से अधिक छात्र छात्रों का आज सांगो ज्वालपा रोड स्थित JLN कैंपस में बहुत ही उत्साहपूर्वक एवं रंगारंग कार्यक्रम में सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांगो तहसीलदार श्रीमान कृष्ण कुमार राजावत जी रही अध्यक्षता करते हुए संस्था निदेशक डॉक्टर आजम बैक ने संस्था में अध्ययनरत सभी छात्र छात्रों को बधाई देते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सफलता के गुर बताए हैं और सफल व्यक्तियों के जीवन की कहानी भी सुनाई। उन्होंने शिक्षा को सफल जीवन जीने का एकमात्र आधार बताते हुए विकसित समाज की आधारशिला बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान और जानकारी ही प्रदान नहीं करता, बल्कि व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास, सोचने समझने की क्षमता और सामाजिक समझ के साथ साथ सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की सिखाती है तथा समाज में सम्मान दिलाती है। अपने सपनों को साकार करने और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आधार भी शिक्षा से संभव है। मुख्य अतिथि तहसीलदार सांगो श्री कृष्ण कुमार राजावत ने सांगो नगर में JLN जैसी संस्था के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को सराहते हुए बोर्ड परीक्षा में JLN के छात्रों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम लाने पर संस्था संचालकों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि ये छात्र आने वाले समय में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश शिक्षा में 99% हासिल करने पर सांगोद नगर का नाम रोशन करने वाली संस्कार अकेडमी स्कूल के छात्रों वृद्धिमा चतुर्वेदी और स्नेहा मित्तल का भी सम्मान किया गया। लगभग 100 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्रों को स्मृति चिन्ह भेंट कर माला पहनाकर पगड़ी बांधकर नगद राशि देकर स्वागत सम्मान किया गया है। संस्कार अकेडमी के संचालक डॉक्टर अशरफ बेग को और कोऑर्डिनेटर अमन मिर्जा ने भी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सभी अभिभावक जनों का आभार जताया। समारोह के स्कूल शिक्षा परिवार के संभागीय प्रदेश स्तरीय एवं स्थानीय पदाधिकारियों ने भाग लिया और मन संचालन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका एवं समाज सेविका नेता वो मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करना बंद कर दे। आगे वाले साल में मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ यही अनुपात जो 91 से 95 सात बच्चियों का है बदल करके 95 तक लड़के पहुँच जाएंगे और फिर लड़कियाँ तो आजकल आगे बढ़ेंगी। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दो। लड़कों को मोबाइल पर कोई भी स्क्रीन दिखाना बंद कर दो। ये लड़कियां जो 16 साल के होने के बाद भी आपके 3 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर बाजार भेजते हो, इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो। ये बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे राजस्थान में नहीं, मेरे पास 9 स्टेट का दर्जा है। हर जगह हम लोग सम्मान समारोह करते हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं इन बच्चों की तरफ ध्यान दो। अब मैं सर अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि अब सरकार को ये जो नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इसको बदल करके ये नारा लगाना पड़ेगा कि देश बचाओ बेटे पढ़ाओ। अब तो बेटे पढ़ ही नहीं रहे, अब तो बेटे सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। जिस चौराहे पर देख लो 10-15 लड़कों की भीड़ रात के 12 बजे तक सिर्फ तमाशा करती, सिर्फ लोगों पर अपना वक्त खराब करती। स्कूलों में जाते हैं तो सिर्फ वहां पर तमाशे करते हैं। मैं भी खुद स्कूल कॉलेज 15 स्कूल कॉलेज चलाता हूं। राजस्थान के पूरे कोने में हमारे बच्चों को तमाशे दिए जाते हैं। हिंदुस्तान के तमाम एम्स में मेरे लड़के नर्सिंग करके और सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों को तराशने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपसे मेरा अनुरोध है बच्चों को समान समझो। अगर ये रेशो बिगड़ा तो आने वाले कल में आपकी पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए पढ़े लिखे लड़के मिलना मुश्किल हो जाएंगे और ये आज हो रहा। मेरा आपका अनुरोध है सांगो की स्थिति में हमारे ये अधिकारीगण जो अपनी सेवाएं दे रहे सचमुच सम्मान के पात्र हैं, वो चाहे PISP हो, चाहे थानेदार हो, तहसीलदार हो, यहाँ के न्याय मजिस्ट्रेट हो,
हम उन सबका दिल से सम्मान करते हैं, हमको मजबूत कीजिए, इनका हिस्सा बनिए और दो पैसे ज्यादा दे करके, दो पैसे कम खाने पर व्यतीत कीजिए, चार पैसे ज्यादा दे करके अच्छा घर बना करके पैसे खर्च करने की तो कम बढ़िए, शादी ब्याह में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके अपने आप को बर्बाद न कीजिए, एक बच्ची बहुत अच्छी तैयार कर दीजिए, उससे बेहतर कोई जेवर और कोई मेहर नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आदरणीय तहसीलदार महोदय हमारे बीच पधारे हैं, हम दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, थोड़ा सा समय निकाल करके आप जरूर हमारे बीच पधारेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयासों को आप प्रोत्साहन देंगे। सभी अतिथियों का, सभी अभिभावक जनों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी छोटे बड़े बच्चों का।